हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी टेक्नोलॉजी। सो कल मैं अपनी बाइक को सर्विसिंग पे ले गया था। मेरी बाइक से धुआं निकल रहा था साइलेंसर से, तो सर्विसिंग कराना पड़ गया। तो साथ ही साथ मैंने बाइक पे न्यू हैंडल बार लगवाए हैं जो यामाहा की है ओरिजिनल। लगभग ये सर्विसिंग मुझे थोड़ी कॉस्टली पड़ गई, 1650 रुपये की। इसमें मैंने ऑयल, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, हैंडल बार और एयर फिल्टर चेंज करवाया है और साथ ही साथ फ्यूल इंजेक्टर को क्लीन भी कराया है। बिलासपुर सर्विस सेंटर पे फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग चार्ज 250 रुपये है। मैं लगभग हर 5000 किलोमीटर के बाद फ्यूल इंजेक्टर को क्लीन कराता हूँ। और आज सवेरे मैंने अपनी बाइक को चलाने के लिए निकाला तो मेरी नज़र इसके केबल पर पड़ी, जो केबल का कवर कट चुका था और मुझे इमरजेंसी में जाना था। तो मैंने इस केबल को, वैसे ही मेरी बाइक 72,000 किलोमीटर चल चुकी है और केबल भी शायद एक्सपायर होने वाली थी, ये एक्सपायर हो चुकी है, तो मेंटेनेंस के लिए इसे चेंज कराना भी ज़रूरी था। लोकल मार्केट पे फिट करवाना ही सही समझा, क्योंकि मेरे घर से सर्विस सेंटर 8 किलोमीटर है। आने जाने में मेरा टाइम और पेट्रोल दोनों वेस्ट होते और शायद सर्विस सेंटर के चार्जेस भी ज़्यादा हैं। तो मैंने सर्विस सेंटर को अवॉइड किया और लोकल मैकेनिक से उनके पास जाकर मैंने केबल चेंज करवाई। तो अब हम आ चुके हैं अपने मैकेनिक भाई साहब के साथ, ये पहले पुराने केबल को निकाल रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी नई केबल जो मेरी बाइक पे लगने वाली है। चलिए इस केबल को पास से देखते हैं। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम है, ओरिजिनल यामाहा की केबल है। ये केबल सेट में आती हैं। यदि आपकी गाड़ी का एक केबल भी टूटा है तो आपको दोनों केबल चेंज करवाना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे एक केबल चेंज कराऊं तो कोई मतलब नहीं है, बाद में दूसरा केबल टूटेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा दोनों एक्सीलेटर वायर को एक साथ चेंज करवाइए। आज मुझे ड्यूल एक्सीलेटर केबल होने पर रियलाइज हो रहा है कि ड्यूल एक्सीलेटर केबल देने का फ़ायदा क्या है। यदि आपकी एक केबल टूट जाए तो आप सिंगल केबल की सारी गाड़ी चला सकते हैं, ऐसा मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था, लेकिन ये रियलिटी मेरे साथ हो रही है। एक ख़ास बात और इस केबल में, ये केबल नॉन एडजस्टेबल है। जो केबल रहती है एकदम फिक्स रहती है एक्सीलेटर से फ्यूल इंजेक्टर तक। इस केबल को आप चाहें तो अपने घर पे भी ला के लगा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। जब आपका काम 20-30 रुपए में हो जा रहा है तो आप फालतू की टेंशन क्यों ले। तो लग गई हमारी गाड़ी पे एक्सीलेटर केबल। ये भी नई केबल है, इसे थोड़ा जर्क मार रही है, धीरे धीरे ये केबल फ्री हो जाएगी तो जर्क नहीं मारेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अगली बार मैं आपके लिए क्या वीडियो अगली बार किस टॉपिक पे वीडियो ला सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस यामाहा एफजेड की ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।